नमो नमः। मैं हूँ ममता ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3 का पाठ 9 नीति वचनानी, इसका प्रश्न अभ्यास करने वाली हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की ओर। पहला भाग देखिए, उचितम पदेन उत्तरत, उचित पद के द्वारा उत्तर दीजिए। क भाग है, कस्य आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते वृद्धोपसेविनः, कीदृशी वाणी पुरुषम प्रहलादयति। मधुरा, मधुरा मतलब मीठी वाणी। ग भाग, संसारे का उन्नति कारक अस्ति सत्संगति। साहित्य संगीत कला विहीनः कीदृशः भवति, साक्षात पशुः। वर्तमानेन कालेन के वर्तयन्ति विचक्षणाः। उसके बाद प्रश्न 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए, कस्य जीवितम सफलम। उत्तर, यस्य वाणी रसवती क्रिया श्रमवती तथाश्च लक्ष्मी दानवती भवति तस्य जीवितम सफलम भवति। पिता पुत्राय किमर्थम क्रुध्यति। उत्तर, वरुणः परीक्षायां न्यूनाः अंकाः प्राप्ताः अतः पिता पुत्राय क्रुध्यति। पशूनां भागधेयं किम्। अब इसका उत्तर वैसे तो वास्तव में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। वास्तव में इसका उत्तर है कि जो हमने श्लोक पढ़ा था उसमें कहा गया था कि साहित्य संगीत कला विहीन, जिसमें साहित्य संगीत और कला का ज्ञान ना हो और इन सब का ज्ञान रखे बिना ही मनुष्य जो है जिए चले जा रहा है, तो वो जो है पशु के तुल्य है। और कैसा पशु, जिसके ना तो सींग है और ना ही पूंछ है, तो वह तो पशुओं का भाग्य है, मतलब पशुओं का के नसीब में होता है कि वो ना तो पढ़े लिखे होते हैं, ना ही तो उनको कोई साहित्य का ज्ञान होता है, कोई कला का ज्ञान नहीं होता, तो ये सब तो पशुओं के साथ होता है। तो यहाँ पर जो है मनुष्य की तुलना उन पशुओं से की गई है, जो लोग संगीत साहित्य और अन्य कलाओं से जो रहित होते हैं। लेकिन इसको जो है मैंने कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश की है, तो आप केवल इतना लिख सकते हैं, तद भागधेयम् पशूनाम। प्रश्न 3 देखिए, विपरीतार्थम मेलयत, विपरीतार्थक को आपने इसमें जोड़ना है। तो वृद्धः का क्या होगा, युवा, तो इसके आगे मैं क लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। फिर है कुसंगति, कुसंगति का होगा सत्संगति। विचक्षणाः, विचक्षणाः का होगा ग भाग है मूर्खाः। घ भाग है उन्नतिम, उन्नति, उन्नति का विपरीत होता है अवनति, तो घ हम यहां पर लिखेंगे। आलस्यम, आलस्य का विपरीत होता है परिश्रमः। मित्रम का विपरीत होता है शत्रु च। और शीतलम का विपरीत होता है ऊष्णम, यहां पर आ जाएगा छ। सफलम का हो जाएगा असफलम ज। इसके बाद श्लोकांशान यथा योग्यम मेलयत। क लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति वृक्षाः। ग चत्वारि तस्य वर्धन्ते, घ इधर आ जाएगा आयुर्विद्या यशोबलम। और अंग सज्जनस्य संसर्गः कस्य न उन्नति कारकः, अंग यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 4। अब करते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 में जो है आपको शब्दों के धातु पुरुष लकार और वचन लिखने हैं। जैसे करोषि में है क्री धातु, मध्यम पुरुष एक वचन और लट लकार। श्रीणोति में श्रु धातु होगी, मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार। क्षमस्व में क्षम धातु है, मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार। प्राप्स्यामि में
प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु उत्तम पुरुष एकवचन लृट लकार क्रुध्यति में क्रुध धातु प्रथम पुरुष एकवचन लट लकार करिष्यामि क्री धातु उत्तम पुरुष एकवचन लृट लट लृट लकार कथयामि कथ धातु उत्तम पुरुष एकवचन लट लकार। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। अब पहला है सत्संगति उन्नति प्रदान करती है, तो इसका आप संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार से करोगे? सत्संगति ही उन्नतिम प्रदाती या दास्यति, जिसके पास धन नहीं उसके मित्र नहीं, यस्य पार्श्वे धनम नास्ति तस्य न मित्राणि, या यस्य पार्श्वे धनम नास्ति तस्य मित्राणि न भवन्ति। मीठी वाणी मन को प्रसन्न करती है, मधुर वाणी ही चित्तम प्रसादयति। विद्वान बीती बातों पर शोक नहीं करते, विद्वान सह, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, विद्वान सह गते अपि शोकः न कुर्वन्ति। मधुर भाषी सबका हृदय जीत लेता है, मधुर भाषी सर्वेषां चित्तं विजयति। तो इस प्रकार से ये अध्याय भी हमारा समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।